हेलो एवरीवन, वेलकम टू संचेती फैशन डिजाइनर। आज मैं आपको फोर प्लेट्स ब्लाउज, सिंपल ब्लाउज की कटिंग बता रही हूँ, जो बहुत इजी है और जिसको आप कटिंग करके बिल्कुल इजीली से बना सकते हैं। तो हमारी इस ब्लाउज का जो नाप है वो 30 सीना है और 26 उसकी कमर है। तो दो ही नाप है हमारे पास में और दो ही नाप से हम इसकी ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं। और आपको भी जैसे सीना और कमर के अकॉर्डिंग आप कैसे कटिंग कर सकते हैं और सिंपल ब्लाउज की, तो मैं आपको बताऊंगी। चार जो प्लेट्स होगी वो आप कैसे लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, कितने लगाएंगे, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। तो आप इसको पूरा वॉच कीजिएगा। और देखिए, आपसे निवेदन एक बार फिर है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि टोटल जो आने वाली वीडियोज़ है, जो इंटरेस्टिंग भी होगी और जो ज्ञानवर्धक भी होगी, तो सबके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और समय समय पर आपको डिज़ाइंस भी देखने को मिलेगी, बहुत सुंदर सुंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, आने वाली नई नई टिप्स की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम इस ब्लाउज की कटिंग 30 और 26। ये हमारी जो ब्लाउज का कपड़ा है, यानी कि लाइनिंग का कपड़ा है, और इसको हमने डबल फोल्ड किया है। और इसकी हमें लेंथ चाहिए, इसको हम फोर फोल्ड में कर लेते हैं। फोर फोल्ड में देखिए, डायरेक्टली सीधा आपको ब्लाउज पे कटिंग बता रही हूँ कि हम डायरेक्ट ब्लाउज पे कटिंग हमें करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसको हमें फोर फोल्ड में कर लेना है। आइए, हमारी फोर फोल्ड हो गई है। देखिए, दो फोल्ड नीचे हैं, ये देखिए, ये दो फोल्ड नीचे वाली है और ये दो फोल्ड ऊपर वाली है। तो ये हमारा फोर फोल्ड में हो गया है। अब हमें इसको सबसे पहले ये जानना होगा कि इसमें हमारे पास लेंथ कितनी है। तो हमारे पास इसमें टोटल लेंथ है 14.50 इंच है। ये 14.50 इंच है, 14.5 इंच इसकी लेंथ है। तो टोटल ये 13 इंच लेंथ की ब्लाउज बन सकती है। तो ये ओके है, ठीक है। इसमें हम अपना ब्लाउज जो है आसानी से बना सकते हैं। अब सबसे पहले मैं इसमें शोल्डर लूंगी, जो कि सिर्फ 5 इंचेज। ये देखिए, यहां से आपको अच्छे से ना दिखाई दी, ऐसा नहीं, हाँ, ये देखिए 5 इंचेज हमने सिर्फ शोल्डर लिया ऊपर से। एक बात और आप ध्यान कर लें कि देखिए, जो ये दोनों पार्ट्स हैं, दो नीचे के दो ऊपर के, ऊपर का जो पार्ट्स है उसको आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और वो क्यों लेना है, क्यों लिया है एक्स्ट्रा पार्ट को, वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगी। चार फोल्ड में अगर आप फोल्ड करके कटिंग करते हैं तो भी आपको एक्स्ट्रा लेना है। और जो भी आपकी साइज हो, तो आपने जैसे फ्रंट पार्ट को, जैसे मैंने, देखिए टोटल आपको बताती हूँ एक बार फिर, कि जैसे फ्रंट पार्ट मेरा टोटल नीचे से लेकर के ऊपर तक 15 इंचेज है। तो अब मैं नीचे से, ये नीचे वाला पार्ट्स यहाँ से जांच लेती हूँ। ये देखिए 14 इंचेज है। तो ये 1 इंच नीचे वाला पार्ट्स जो है वो देखिए कम हो गया है। तो ये मैं, हमें स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा चाहिएगा, इसलिए मैंने इसको एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ पे मैंने शोल्डर 5 इंचेज ले लिए हैं। नेक की विड्थ लूंगी मैं यहाँ पे 2 इंच, या फिर आप 2.25, लास्ट 2.25 है। और अगर आप कम रखना चाहे तो 2 इंच काफी है। और नेक की जो डीप है, नेक हमारा फ्रंट का, वो 6 इंच हमारा डीप नेक होगा। यहां से भी उतनी ही चौड़ाई लें आप जितनी कि आपने ऊपर लिया है, चाहे 2 लिया तो 2 ले, या फिर आपने 2.25 लिया है तो 2.25 ले, 2.25 तो लास्ट होता है इसका, और 2 इंच काफी, 2 इंच में शॉर्ट हो सकता है या बराबर हो सकता है। तो इस प्रकार से हल्का सा आप इसको राउंड बाहर की ओर दे सकते हैं। तो ये चौड़ाई आपकी बराबर रहनी चाहिए और ये जो डाउन पे है वो बिल्कुल आपका बराबर रहना चाहिए। दोनों जो सेंटर होते हैं ये आपके बराबर रहने चाहिए। यहाँ वाला 2 या 2.25 लास्ट है, यहाँ वाला जो 6 इंच है वो है ही। तो यहाँ पे हम हल्का सा सीप लगाएंगे, बिल्कुल हल्का सा। अब हम आर्मोल लेंगे 5.5 इंच। जैसे हमने शोल्डर 5 इंच लिए है, तो आर्मोल हमेशा आप 1/2 इंच प्लस ले लीजिएगा, चाहे आपका जो भी नाप हो, ठीक है। अब चेस्ट होगा कितना, चेस्ट तो उतना ही होगा जितना आपका चेस्ट है, उसका 1/4 भाग करना है। 7.5 इंच चेस्ट का 1/4 भाग होता है। और इसमें हम प्लस करेंगे, जो क्योंकि सिंपल ब्लाउज है, प्लेट्स, फोर प्लेट्स वाला है, तो इसमें आप 1 इंच प्लस कर लीजिए। तो 7.5 + 1 हो गया ये 8.5 इंच। ये हमने इसमें 8.5 इंच लिया है, ठीक है। और मार्जिन के लिए 1.5 इंच अलग से ले रहे हैं, बहुत छोटी साइज का ब्लाउज है इसलिए 1.5 इंच मार्जिन बहुत है।
अब यहाँ से नीचे जो कमर का पार्ट्स है, कमर में हमें कितना लेना है, कमर है 26, इसका चौथा भाग चार भागों में डिवाइड कर लीजिए, हो गया हमारा 6.5 इंच। 6.5 में प्लस 1/2 इंच लेंगे बिग साइड की प्लेट्स के लिए, हो गया 7 इंच। और 7 इंच के बाद हम प्लस लेंगे जो हमारे टक्स है, टक्स प्लेट्स जो आएंगी उनके लिए हमने 1 इंच प्लस करना है, कितने हो गए हमारे 8 इंच। तो ये हमने यहाँ पे 8 इंच पे मार्किंग करना है। देखिए टोटल पैसे पहले ऐसे करेंगे, 6.5 इंच हो गया कमर का चौथा भाग और 7 इंच, ये तो हो गया हमारा इसमें कमर का नाप, और ये 1 इंच हमने लिया इसमें एक्स्ट्रा, ठीक है। और 1.5 इंच जो मार्जिन होता है वह है ही, वह कंपलसरी है, बिल्कुल बराबर है। तो अब आपको जो सिलाई की लाइन है वो आपकी ये होगी, और मार्जिन की लाइन है वो आपकी ये होगी। तो ये मार्जिन है और ये सिलाई की लाइन है, ये नाप की लाइन थी, किंतु यहाँ पे जो टक्स पॉइंट आएगी इसके लिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब हमें पहले यहाँ पे हम सेप लगा देते हैं 1/2 इंच का, सिर्फ 1/2 इंच का आगे की शोल्डर का हम सेप लगाएंगे, और फिर 1/2 इंच का और बेक साइड का सेप ऐसे लगाएंगे। अब आर्म होल के लिए आपको एक नाप बता देती हूँ, जब आप बाजू की कटिंग करो तो आपको बाजू का आर्म होल कितना लेना चाहिए। ये देखिए बाजू का आर्म होल आपको 36 चेस्ट में, और बाजू का आर्म होल आपको कितना लेना है 6.5 इंच। इस बिंदु से आपको और यहाँ तक नाप लेना है कि आपका कितना इसका जो राउंड है वो 6.5 इंच है, तो आपको 6.5 इंच ही आर्म होल लेना है, और मार्जिन होगा वो अलग होगा। जैसे इसका मार्जिन अलग है वैसे ही हमारी बाजू का मार्जिन भी अलग होगा। तो अब आते हैं हम अपने टक्स प्लेट्स पे, तो यहाँ से हम 3 इंच की दूरी से, सिर्फ 3 इंच की दूरी से और टक्स प्लेट्स लगाएंगे, 9.5 इंच ऊपर से छोड़, यहाँ पे आप बिंदु लगा लीजिए, ये हमारे फर्स्ट प्लेट्स होगी, ठीक है। यहां से हुक की प्लेट है, हुक की जो पट्टी होती है वहां से आप 3 इंच की दूरी पे, 1 इंच जो हमने ये एक्स्ट्रा लिया है आपके सामने है, उसमें से आपको 1/2 इंच इस साइड में और 1/2 इंच इस साइड में, देखिए 1/2 इंच, तो ये आपका कितना हो गया टोटल 1 इंच। तो आपको 1 इंच इस प्रकार से यहाँ पे इस प्लेट्स में लगा देना है। तो ये हमारी फर्स्ट है जो प्लेट्स है सिंपल ब्लाउज की, ठीक है। ऊपर से कितना लिया है हमने 9.5 इंच, ये देखिए ऊपर से शोल्डर से 9.5 इंच, नीचे टक्स पॉइंट है, यहां से आप इसमें 2 इंच की या फिर 2.25 इंच की प्लेट्स आप लगा सकती हैं इस प्रकार से। और ये प्लेट्स आपको टोटल 1/2 इंच की हो सकती है या फिर 1/2 इंच की हो सकती है, इतना ही होता है इस प्लेट्स के अंदर। ये प्लेट्स फिनिशिंग के लिए होती हैं और फिटिंग जो हमारी जो ब्लाउज की होती है लुक के लिए होती है। यहाँ से हम 6 इंच तक एक प्लेट्स लगाएंगे, साइड वाली जो कमर की साइड से आती है वो प्लेट्स आती है मार्जिन लेकर के, और यहाँ तक आपको 6 इंच तक, और इस प्लेट्स को भी आप सिर्फ 1/2 इंच की प्लेट्स ही लगाएंगे, ये आप 1/2 इंच इस तरफ से 1/2 इंच इस तरफ से। ये वाली जो आपकी प्लेट्स हैं इसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, और इसमें हम सिर्फ 1/4 इंच की प्लेट्स लगाएंगे, और ये जो प्लेट्स होगी वो इस प्रकार से आपको तिरछी होनी चाहिए। ये हमारी फोर्थ प्लेट्स है, और इसको आप इस प्रकार से लगाएंगे। तो ये हमारी चारों प्लेट्स हो गई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, तो ये चार प्लेट्स है, और इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें इस ब्लाउज की अब आपको कटिंग कर लेते हैं। ऊपर का पार्ट्स हट ऊपर करके एक पार्ट्स की कटिंग कर रहे हैं, देखिए मतलब आगे के दो पार्ट्स,
आगे के दो पार्ट ये वाले हैं और बैक साइड का पार्ट ये वाला है। तो बैक साइड में आपको कितना नेक डीप करना है, इस प्रकार से आप उसको बाद में कटिंग कर सकते हैं। जो ये शोल्डर होते हैं, साथ में कटिंग करने का मतलब ये होता है कि आपके जो शोल्डर है, देखिए ये बैक साइड के अकॉर्डिंग आप मेरी शोल्डर कटिंग हो जाएंगे दोनों पार्ट्स के, ये हो गए हैं और ये हमारे चारों पार्ट्स कटिंग हो गए हैं। अब मुझे बैक साइड के पार्ट्स को ओके करना भी मैंने किया नहीं है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा लिया हुआ है थोड़ा, उसको हमें बराबर रखना है। तो इस हिसाब से आप पहले फर्मा कटिंग करें हर ब्लाउज की। जब भी आप ब्लाउज कटिंग करें तो फर्मा कटिंग करके करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी कटिंग करने में, स्टिचिंग करने में। ये हमारी देखिए एक आप ऐसे कट लगा दीजिए ताकि आपको दोनों पार्ट्स पे आपके जो है ये प्लेट्स बराबर आए। तो इस प्रकार से आप कट लगा लें अपने पार्ट्स पे। ये हमारे नीचे वाली साइड की प्लेट्स है और ये हमारे फ्रंट वाले पार्ट्स की प्लेट्स है। तो इस प्रकार हमने चारों प्लेट्स की मार्किंग कर ली है और कट भी लगा लिए हैं। ये हमारे आगे का पार्ट्स बिल्कुल तैयार है। अब हम बैक साइड के पार्ट्स को आपको बताते हैं। जितना आपको गला, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा डिजाइन लगाने वाली हूँ तो मैं इसमें बाद में कटिंग करूंगी, इसके पहले चेस्ट और कमर की आपको बता देती हूँ। इसमें कितना लेना हमें बराबर लेना है, जैसे 7.5 तो हमें 7.5 ही लेना है। चेस्ट का चौथा भाग, यहाँ पे आएंगे हम कमर का चौथा भाग प्लस 1/2 इंच, तो ये हो गया हमारा 7 इंच। ठीक है, ये हमारी स्टिचिंग की लाइन होगी और जो मार्जिन हमने 1.5 इंच लिया है वही हम यहाँ पे मार्जिन लेंगे 1.5 इंच यहाँ से और 1.5 इंच यहाँ से। तो ये हमने, मैंने आपको चारों पार्ट से एक साथ में कटिंग करके भी दिखाए हैं ताकि आप इस प्रकार से भी कटिंग कर सकते हैं। जो कि हमारी अस्तर का पार्ट्स होता है, इसमें हम 30-32 तक आप दोनों पार्ट साथ में कटिंग कर सकते हैं। इतना इसमें इसकी जो लेंथ आती है इतनी कि आप उसको आसानी से कट कर सकते हैं। तो ये मैंने नीचे से इसको फिनिशिंग दिया है और ये जो साइड इसको हम अलग कर देते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट है ये, तो ये हमने इसको अलग कर दिया है। अब ये जो नेक लाइन है, यहाँ पे हमने जैसे इसकी जो नेक की विड्थ लिया है जितनी 2.25 इंच या फिर 2 इंच, उतनी आप यहाँ पे मार्किंग करके यहाँ पे आप कट लगा लें हल्का सा ये। अब आपको नेक जितना नीचा लेना हो आप उसको ले, ये आपका बैक साइड का पार्ट बिल्कुल बराबर है। नीचे में हम सिर्फ प्लेट्स लगाएंगे इसकी और वो लगाएंगे हम 3.25 इंच पे और इसको आप 4 इंच तक या 4.5 इंच तक ऐसे दो प्लेट्स लगा सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पे कट लगा लेना है ताकि ये दोनों प्लेट्स जो आप लगाएंगे तो आपके बिल्कुल बराबर होंगे। जैसे ये बीच साइड से यहाँ से इतनी दूर और ये भी यहाँ सेंटर से इतनी दूर, तो ये कट लगे हुए होते हैं तो आपकी प्लेट्स जो कि बराबर होगी। तो ये बैक पार्ट भी हो गया। अब मैं आपको बाजू भी बता देती हूँ। इस प्रकार से कपड़े को देखिए 2 फोल्ड में कीजिए, 2 फोल्ड के बाद हम इसको 4 फोल्ड में कर लेंगे। अभी तक इतना कपड़ा और पड़ा है लाइनिंग के कपड़े के अंदर, काफी कपड़ा इसमें एक्स्ट्रा रहता है क्योंकि बहुत सारा कपड़ा था। हमें 4 इंच की बाजू तैयार करनी है तो आप इसको 4.5 इंच ले। अभी ये 4 इंच की इसको फोल्डिंग हुई है, इसको हम थोड़ा सा और फोल्ड कर लेते हैं। तो ये देखिए अब 4.5 इंच की हमें फोल्डिंग मिल जाएगी इसकी। तो ये हमारी 4.5 की हमने इसको फोल्डिंग कर लिया है, ये हमारी लंबाई है 4.5 की, हमें 4 इंच इसमें तैयार बाजू मिलेंगी। आप यहाँ से 2.25 इंच नीचे आइए, यहाँ पे आप 2.25 इंच का मार्किंग कर लीजिए। बड़ी साइज हो तो आप यहाँ पे 2.5 इंच का मार्किंग लगाइए, नीचे 2.5 इंच आइए। और ये छोटी साइज होती है 32-34 तक, तो आप 2.25 इंच ले सकते हैं। और यहाँ से हमें जैसे आरमोल मैंने आपको बताए थे 6.5 इंच लेने हैं, तो ये मैंने देखिए 6.5 पे यहाँ पे ये बिल्कुल 6.5 का कॉर्नर ही होना चाहिए, बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं लेना है। यहाँ से 6.5 लिए मैंने और इसको बराबर में ऐसे मिला दिया है। और जो हमारी 9.5 इंच है मोरी, तो इसको हमने 4.5 लिया है, 4.75 होता है 4.5। अब देखिए यहाँ पे जैसे 1.5 इंच मार्जिन लिया हुआ है ब्लाउज में, तो हम यहाँ पे टोटल 1.5 इंच मार्जिन लेंगे। टोटल इसकी जो मार्जिन होगी वो 1.5 इंच होंगी। तो ये हमने इस बाजू का जो है वो शेप बना लिया है, ये देखिए बहुत अच्छे से। अब आप इसको 1/2 इंच यहाँ पे हल्का सा टिक लगाइए बीच सेंटर में और इसको आपको ऐसे करना, देखिए ये यहाँ पे और इसको आपको यहाँ पे, बस ये आपके बाजू का शेप हो गया है और बहुत अच्छा ये आपका शेप बन जाता है। तो ये हमारी बाजू तैयार है और इसको हम कटिंग कर लेते हैं।
आगे से जो आपके बाजू जॉइंटेड है इनको आप ऐसे खोल लीजिए। पहले आगे से इसको अलग कर ले दोनों पार्ट्स को, ये अलग हो गई है। अब आप दो पार्ट्स को जो हमारा है उसको शेप को कटिंग कर लिया है। तो ये हमारे बाजू की आगे की शेप मैंने कटिंग कर ली है, ठीक है। अब आप यहाँ बीच सेंटर को यहाँ पे ऐसे कट लगा ले और ये जो सिलाई का सेंटर है इस पे भी कट लगा दे। तो ये आपकी बाजू तैयार है और 30 चेस्ट का सिंपल ब्लाउज भी कटिंग होके तैयार है।